बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम आटा, गेहूं के आटा, 300 ग्राम बेसन, 7 प्याज है, 7-8 पीस प्याज काट ली थी बारीक, 4 मिर्चा काट ली थी, आप अपने अनुसार से काट लीजिएगा, धनिया पत्ता। देखिए हम बड़े बर्तन में आटा को ऐसे छान लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे बेसन, इसमें डाल देंगे हम प्याज, मिर्चा, मिर्चा अपने अनुसार से डालिएगा, हम कम डालेंगे, धनिया पत्ता, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पीसी हुई मिर्चा डाल सकते हैं, इसको ऐसे मैश करते हैं पहले। आटा की तरह सानना है, बेसन की रोटी ऐसे 5-6 तरह के होता है। देखिए आटा मेरा सनकर तैयार हो गया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, सेट हो जाएगा। मटर के अचार बनाने के लिए हम लेंगे भीगा हुआ मटर 1 कप, इसमें हम मिर्चा काट ली थी, फली कर ली थी, नींबू का रस इसमें डालेंगे, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें हम डाल रहे हैं अचार का मसाला, जो अचार में पड़ता आम वाले उसी मसाले से बनेगा। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच सरसों का तेल, एक चम्मच देखिए सरसों का तेल, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है। आइए हम बेसन की रोटी अब बनाना चाहिए, इसलिए हम चढ़ाते हैं पानी, ये मैं आज से देखिए हाथ में ऐसे तेल लगा लें, इसके बाद में लोहे से बना लें, क्योंकि इसमें नमक पड़ा है, गलता है, गर्मी भी है, इसे हल्के हल्के हाथ से बेलना है, आटा लगा लगा कर बेलना है। देखिए थोड़ा बहुत तो साइड में रहेगा कटा पिटा, क्योंकि उसमें प्याज पड़ा है। देखिए पहले हम पैन पर तेल लगा लें, देखिए रोटी मेरा बन गया। देखिए मेरा बेसन की रोटी मटर के अचार बनकर तैयार हो गया है, हमने इसको मैंगो फ्रूटी के साथ सर्व किया है।